रहता मैं तो घर से चला जाऊंगा। मेरे मुंह से निकल गया, मैं ठीक है निकल रखा किसने है। $20 दिए, 1200 की कटिंग। हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है भाई, अभी पुराना डे चल रहा है यार। आपने देखा होगा कि क्या भाई, वेलकम भी क्या करूँगा। आपने देखा होगा कि ऋत्विक भाई से तो मजाक में क्लेश हो गया था सब्जी के पीछे। भाई वो मजाक क्या हुआ, व्लॉग खत्म हुआ भाई, हमारा तो क्लेश बढ़ गया। कह रहा था को कदर नहीं, मैंने खाना खुना बनाया। मैंने बोला भाई, मैं कह यार मैं शिफ्ट से आया था, नहीं है हिम्मत भाई, तो मैंने बोल दिया। कह रहा उसको कदर नहीं ये वो। भाई भाई बहुत क्लेश बढ़ गया, मतलब आधा पौने घंटे लड़ाई चली, डंडे वाले हालात ही हो गए थे। लड़ ही चुके हैं भाई हम, क्या भाई मूड ही खराब हो गया था। अभी मैं बाहर ही आ गया था, देख लो गैस स्टेशन पर आके बैठा हुआ हूँ। घर तो मेरा उस पास से है, मैं इधर आके बैठ गया हूँ। बहुत ही भाई बात इतनी बढ़ चुकी है, कहता मैं तो घर से चला जाऊँगा। मेरे मुँह से निकल गया, मैं कहा ठीक है निकल रखा किसने है, तू ही रह रहा है हम पे। वो गलत नहीं कर गया वो, तो ये तो है भी थोड़ा इमोशनल भाई, रोने लग गया था। मेरा तो हो गया भैया, तो बाहर ही आ गया मैं तभी, वो तो अड़ चुका है। मैंने बोला मैं कोई नहीं भाई चल हो गया। कह रहा ना मैं तो कल जाऊँगा, ये वो बहुत बढ़ चुकी है। मैंने भी गुस्से में ज़्यादा बोल दिया। कह रहा काम पे दूर रहता है तो मेरी गलती थोड़ी है वो। मैं कहा तो तेरी नहीं है फिर क्या करूँ मैं, चाह डाल दूँ। वो बहुत गलत बोल दिया दोनों ने, क्या बोल रहे भाई। बहुत हमारा क्लेश बढ़ चुका है, बहुत लड़ाई होगी, कहाँ इतनी बढ़िया दोस्ती थी, वो ज़्यादा बात बढ़ चुकी है। अब कल भी रोकूँगा भाई अगले को, अब अगला जाएगा भाई क्या कर सकते हैं फिर। अभी बहुत मूड ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है अभी। बहुत पक्का यार था, बहुत मूड ख़राब है, क्या कर सकते हैं। बैठा हूँ यार मैं भाई, इधर ही बैठा हूँ मैं, मन भी नहीं मेरा घर जाने का। फिर एक दूसरे की शक्ल देखेंगे और खिंचड़ेगी, तो इसलिए मैं जा ही नहीं रहा। अभी तो मैं बस ऐसे ही आया था, मैं कहा कैमरा में थोड़ा बोल लूँगा, दिल हल्का हो जाए, कोई था नहीं बात करने को, तो बस निकलते हैं यार घर को। क्या कर सकते हैं, कितनी देरी बैठूँगा यहाँ पे भी, चलते हैं वैसे ही भाई। रात वॉच नहीं आया, रात के 1 बज रहा है, चलते हैं भाई चलो। क्या कल बताता हूँ आपको क्या अपडेट है। मैं लड़ाई हमारी बहुत गंदी हो चुकी है अभी तो, क्या देख लो भाई, एक सब्जी की बात थी, कितनी आगे बढ़ चुकी है सब्जी से, क्लेश बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। अगर आज नेक्स्ट डे है यार, और भाई कल रात तो मैंने थोड़ा सा लॉक करके आपको बताया था लड़ाई होगी भाई, उसके बाद तो और घमासान हो गया। मैं घर आया, वो सोया तो था नहीं, अभी 1 बज रहा था कि वो सोया नहीं, वो ऐसे बैठा हुआ था। मेरा ऐसे चूल्लू ठीक, मैं आया घर, मैं कहा ठीक है अब भाई, फिर हमारा क्लेश शुरू हो गया था, ये वो बस हो गया। मैं सारा क्या बताऊँ भाई, कैमरे पे हो गया, मैं तो पूरा गर्म चिड़ा हुआ भाई। वो ना बेड पे लेटने लगा, वो साइड के बेड पे ही था, मैं लेटने लगा, वो कपड़ा पड़ा था कोई, मैंने कपड़ा ऐसे उड़ा दिया भाई। मैंने अनइंटेंशनली उड़ाया कि उसके मुंह पे ना लगे, मेरा इंटेंशनली कुछ ना, वो उसके मुंह पे बजा भाई, वो उसके साइड में क्रीम पड़ी थी। मारने लगा भाई, मैं भागने लगा, एक कवर में जो झटका बजा है भाई, ओहो क्या झटका बजा है मैं बता नहीं सकता। अभी भी दुख रही, मेरी बेल्ट बॉस्टन पिज्जा रह गई कि मैं बेल्ट पहन के काम कर रहा हूँ, एक दो दिन से बेल्ट मेरी बॉस्टन पिज्जा पड़ी है, मैं पहन भी नहीं पा रहा हूँ। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि भाई मूव हो रहा है सामान सामान उसका पैक, भाई देख लो होना शुरू हो गया। अगर आपको लग रहा है मैं एक्टिंग उक्टिंग कर रहे हैं, देख लो सारा उसका पैक होना शुरू हो गया सामान, तो वो मूव होने का देख रहा है। मतलब आजकल में मैं तो बहुत रोका भाई, पर क्या कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा चिड़ चुका है। देख लो कहाँ, मतलब लेने गए थे एयरपोर्ट, भाई अब मूव हो रहा है, ऑलमोस्ट पैक ही है भाई सारा। आज एक्चुअली टाइम नहीं है, पहले तो कल निकलने को हो रहा था, क्योंकि रुक तो रहा ही नहीं है, वो तो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई है। मैं कल करा दूंगा यार मूव, आज टाइम नहीं है, आज रुका हुआ है भाई, क्या कर सकते हैं। कोशिश करूँगा अब भी रोकने की, और है नहीं है भाई। चलो अभी तो एडिटिंग करते हैं, मूड बहुत ही ख़राब है, एडिटिंग करते हैं, शाम को बॉस्टन पिज़्ज़ा भी जाना है, वहाँ पर शिफ्ट है मेरी, काम करते हैं, बहुत मूड ख़राब हो रखा है यार। अभी ना कटिंग कराने निकल गया हूँ, आज थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैं कहा बाल बूल कटाए अपने, होलिया बहुत ख़राब हो रखा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक वैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। मैं कहा थोड़ा आज करें, नींद तो भाई मेरी पूरी हो गया, मैं आराम से सो रहा हूँ, तो 10-11 घंटे सो ही लिया मैं, नींद तो मेरी फुल पूरी है। उसके बाद बस बॉस्टन जाना है, तो बीच में 2 घंटे थे, मैं कहा कटाया आते हैं, घर के पास ही है। ऋत्विक भाई को बोला था, मैं कहा तू चल ले यार, वो बेचारा मूल लटका के बैठा हुआ है, कह रहा मैं तो नहीं जाता। मैं कहा चल ठीक है, जब तक आग शांत है शांत रहने दो, मैं क्यों घी डाल दूँ बीच में, तो यही सीन है, चलते हैं। और गर्मी इतनी हद से ज़्यादा, मुझे तो ऐसे लग रहा है हम यहाँ पे जैकेट पहनते क्यों थे भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी, इंडिया वाला हाल हो रहा है बिल्कुल, इंडिया वाला मतलब। तो ठीक है ऐसे ही स्लीपर में चल रहा हूँ मैं, नहीं तो मैं पहले जूतों से नीचे तो मैं बात ही नहीं करता था, इतनी गर्मी हो गई है कि बुरा हाल हो रहा है। सर्दियों वाले कपड़े अंदर ही डाल दूंगा, चलते हैं कटिंग कराते हैं, देखते हैं कितने की होती है यहाँ पे। तो 20-25 तक तो मैं को है ही आइडिया होनी है, तो चलते हैं देखते हैं कैसे बाल काटते हैं। ऊपर से दिक्कत पता क्या है, इंडिया में क्या होता है, बोल देते हैं नाई को
एक नंबर साइडों में ऊपर से थोड़े थोड़े काट दियो, यहाँ पे क्या बोलेंगे, वन नंबर ऑन द साइड, थोड़े थोड़े ट्रिम ऑन द अपर पोर्शन। भाई क्या यार, मतलब ये तो मैंने टूटी फूटी इंग्लिश झाड़ दी है, ऐसे नहीं, देखते हैं उसको, समझाते हैं जाके। यार अभी ना यहाँ पे दो सैलून है, मैंने एक को कॉल किया था तो वो कहता $25 और फुली बुकड है, वो आज हो नहीं सकती। और भाई जब कॉल पे था इतनी गंदी चीज़ हो गई है ना, मैं कॉल पे था 152 स्ट्रीट पे, मैं निकल ही रहा था, एक ड्रगी आता है सामने से, पता नहीं ड्रगी था क्या था, नाक से खून बह रहा था भाई, उसने मेरे ऐसे नाक पे ऐसे कि नाक मतलब पास आके उसने दो गालियाँ निकाल ली, पता नहीं क्यों दो गालियाँ निकाल के मैं तो पीछे के साइड से निकल गया भाई। इतना हॉरेबल एक्सपीरियंस, इतना हॉरेबल भाई। मैं पहले ही उतार रहा हूँ, जो अपने पंजाबी होते हैं ना, खून होता है गर्म, ठंडा रखना, इनसे पंगे पुंगे ना लेना, मजाक नहीं कर रहा, पंगे लोगे बर्बाद हो जाओगे, इनसे पंगे ना लेना। वो बिल्कुल मुंह पे आया भाई, डर गया था, टाइट हो गई थी मेरी पूरी कसम से। एक यहाँ पे अंदर और है, चलते हैं यहाँ पे पता करते हैं रेट वगैरह। तो कटिंग मैंने करा लिया है और देख ही लो भाई कैसी किया, मेरे हिसाब से तो उसने ठीक किया यार। और भाई इतना भरोसेमंद बंदा, मैं जब घुसा ना मैंने बोला कि वहाँ पे लिखा था कैश ऑन, मैं यार कैश तो है नहीं, क्योंकि मैं तो रखते नहीं कैश, मैं तो कार्ड पर चलता हूँ। तो मैंने कहा फिर, कह रहा कोई नहीं मैं कटिंग कर देता हूँ, फिर कैश निकलवा लेना। भैया ने कटिंग करके भेज दिया बैंक यहाँ से 200-300 मीटर दूर है, कह रहा ले आओ। फिर भागने को मैं भाग भी सकता था, क्या ही कर लेता, मेरे कौन सी इन्फॉर्मेशन है। पर भी अगले का कमाया हुआ पैसा, अगले ने मेहनत की है, $20 निकलवा लिया, $20 लिए भाई ने, तो निकलवा लिया मैंने, देने जा रहा हूँ बस। हाँ तो मैं कह रहा भाई, एक तो उसने कटिंग तो बढ़िया करी, बंदा भी इतना बढ़िया था, पर एक चीज़ देखो भैया, मैं इंडिया था ना, मेरी कटिंग पता कितने की होती, 100 रुपये मैक्स टू मैक्स सारा कुछ। भैया इंडिया में हमने बंदा पकड़ा हुआ था, इतनी बढ़िया कटिंग करता था ना भाई, हमने पकड़ा हुआ था इंडिया में, वो इतनी करता था। यहाँ पे देखो $20 दिए, 1200 की कटिंग, और ये हद से ज़्यादा सस्ते हैं, यहाँ पे 50-60 की भी होती है, देख लो। मतलब करानी भी ज़रूरी थी भाई, और अभी तो मैं चंपू लग रहा हूँ क्योंकि मेरे बाल भाई बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, तो जब तक शैम्पू नहीं होगा ना ये सेटिंग होएगी नहीं, तो घर जाके शैम्पू शैम्पू करते हैं, होलिया सुधारते हैं अपना, फिर बॉस्टन पिज़्ज़ा भी निकलना है। भैया अभी अभी शैम्पू किया और पता लग रहा है नाश मारा उसने बालों का, जहाँ पार्टीशन होता है उसने पार्टीशन छोड़ा ही नहीं है भाई, बहुत ही नाश मारा है। $20 भी बर्बाद मेरे, काटते हो तो पता नहीं लगता कर लिए मेरे, वो तब तो लगते सही है सही है, कट जाते हैं शैम्पू होता है फिर पता लगता है भाई, क्या यार। चलो आगे से इससे नहीं कटाएंगे, क्या कर सकते हैं। अभी गिन्नी भाई मिला था रूममेट मेरा, कह रहा है ये क्या करा लिया, वो मैं कट ही क्या यार, पता है मेरे को गंदे कटे है, क्या कर सकते हैं। चलो चलते हैं भाई। वैसे मैंने ना स्कॉट रोड जाना था यार, पायल बिजनेस सेंटर, वहाँ पर बढ़िया बंदे हैं, पर वो यार टाइम ही था मेरे पे, तो इसलिए मैं वहाँ गया नहीं, फिर क्या कर सकते। चलो छोड़ो, चलते हैं भाई अभी बॉस्टन पिज़्ज़ा जा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ से 11 बजे ख़त्म होएगी छुट्टी होएगी, वहाँ से फिर वापस आते हैं, पढ़ाई लिखाई करें थोड़ा रात को, बिल्कुल ही छोटी छू गया पढ़ाई तो, करते हैं भाई असाइनमेंटें पूरी अपनी। और भाई हाँ एक चीज़ बताता हूँ, कल सिक्योरिटी शिफ्ट पे इतना ऑकवर्ड मूवमेंट हुआ है ना, क्या हुआ, मेरे को रेडियो दिया हुआ था, तो भाई सर्कस के बेंचेस के नीचे ना किसी का सामान गिर गया, तो मैं तो बुलाना था मेरे को सुपरवाइजर को कि हम अलाउड नहीं नीचे जाने को, तो मैंने रेडियो ऑन किया, हेलो शिवानशु टू मतलब नाम आगे, तो वहाँ से आया कॉपी भाई, तो रेडियो में ना इंग्लिश यूज़ करनी होती है, मेरी अंग्रेजी अड़ गई मेरी, निकली नहीं। मैंने बोला सर किसी की रिंग नीचे गिर गई है, मंगाना जरा, कह रहे इंग्लिश ऑन द रेडियो, सॉरी भाई इतना ऑकवर्ड। पता है मैंने अंग्रेजी सोची 5 सेकंड हो गए भाई, निकली नहीं वहाँ से, कॉपी तो आ ही गया, कॉपी तो करना ही है मुझे, मैसेज क्या आया है, बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था भाई वो, इतना ऑकवर्ड ना आप सोच के देखो उस चीज़ को, इतना ऑकवर्ड मोमेंट भाई। तो चलो हो गया, बढ़िया लगता है भाई, सही बताओ बॉस्टन से ज़्यादा अच्छा काम सिक्योरिटी का है, बहुत बढ़िया लगता है, मुझे मज़ा आता है सिक्योरिटी का काम करने में। वैसे रात के 12 बज रहे हैं, 12 भी नहीं भाई मतलब 12:30 ही हो रहे हैं, आ तो मैं 9:30-10 बजे आया था मैं, उसके बाद से हम दोनों लड़ी रहे हैं, आपको पता है हमारी लड़ाई तो चली रही है, ऐसे साइड साइड से एक दूसरे को चिंगारी मारते रहते हैं। बाकी भाई की पैकिंग तो हो चुकी है, अभी भी साइड में ही है, मतलब क्या बोलूँ मैं, बताऊँगा आपको, कल तो भाई मूव हो ही रहा है, हट तो रहा ही नहीं है भाई, ये सब छोड़ो कल बात करेंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना भाई, यहाँ पे पखे तो होते नहीं है, टेबल फैन सा पड़ा था कि ये लगाया हुआ है भाई, विंडो तो हमने खोली हुई है, इतनी ज़्यादा गर्मी भाई, पसीना आ रहा है, कंबल देने के तो हालात ही नहीं है, मतलब इतना पसीना भाई। और एक तो सुबह लेट उठा था, तो भाई असाइनमेंटें पूरी करनी है, 16 तो ड्यू डेट ही है एक की, वो असाइनमेंटें पूरी करनी है, मैं कहा अभी कर लेते हैं क्योंकि भाई कल जा रहा है सैडली, तो भाई की मूविंग भी करानी है, मान ही नहीं रहा भाई, मैंने बहुत बोल लिया तो मान ही नहीं रहा, ये कह रहा जाऊँगा ही मैं, तो देखो चलो क्या बनता है। अभी तो भाई मैं ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और भाई जल्दी वो वीडियो आने वाली है कि मैंने कितनी फीस भरी है सेकंड सेमेस्टर लंगारा में, बहुत ही मोटा पैसा इन्होंने लिया है, वो वीडियो जल्दी आने वाली है, कितनी फीस मैंने भरी है, थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं कल आई गेस शूट कर लूँ मैं, तो फिर कल आपको आ जाएगी वो वीडियो कल परसों में। अभी तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।